अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 14 है फ्लूइड्स का। पहला प्रॉब्लम है, वो कहता है एक फिश मेंटेन करती है अपनी डेप्थ फ्रेश वाटर के अंदर, अपने अंदर एयर कंटेंट को एडजस्ट करके पोरस बोन्स के अंदर और एयर सैक्स के अंदर, ताकि उसकी एवरी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर रहे। अब फर्ज करते हैं कि उसके एयर सैक्स कोलैप्स्ड हो जाते हैं। अब मछली की जो अपनी डेंसिटी है वो है 1.08, यानी पानी की डेंसिटी अगर हम 1 मानते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मांगते हैं, तो ये ज्यादा है उससे। इसका मतलब मछली को अपनी डेंसिटी कम करनी पड़ेगी। तो इस काम के लिए वो अपने बॉडी को क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, वॉल्यूम बढ़ाएगी, ताकि इन्फ्लेट करेगी एयर सैक को टू रिड्यूस द डेंसिटी टू डेट वाटर, के उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी जितनी बराबर हो सके। अब हम पहले मानते हैं जब यानी कोलैप्स्ड की, उस वक्त जो मछली की डेंसिटी है मास ऑफ द फिश डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यहाँ से हम मास ऑफ द फिश निकाल सकते हैं। अब जाहिर है उसने अपने आप को इन्फ्लेट करना है ताकि वो नॉर्मल हो सके, तो वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी, तो हम कहेंगे प्लस वी ए, यानी एयर उसने अपने अंदर भरी, तो अब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर तकरीबन आ जाएगी। तो यहाँ से मास ऑफ द फिश निकाला जा सकता है। दोनों मास ऑफ द फिश है, लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड सेम है, रेशियो उठा लेते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी बाद के वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम को। अब हमें फिश की डेंसिटी भी पता है, वाटर की डेंसिटी भी पता है, ये कॉमन फैक्टर कट जाएंगे इनके, तो यहाँ से वी इस तरफ आ जाएगा, 1.08 वी आ जाएगा, ये वी भी इस तरफ ले आएंगे, तो चे हमें पता लग जाएगा कि वॉल्यूम में बदलाव, अजाफी वॉल्यूम कितना था, तो 0.08 वी था। अब अगर हमें फ्रैक्शन मांगनी है, उसने हमसे फ्रैक्शन मांगी है, तो हम क्या कहते हैं कि जो बाद वाला और जो उसके इन्फ्लेशन आई, जो जैसे हम कह रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज की बात करेंगे, तो वो हम लगा देंगे कि चेंज इतनी है, टोटल इतना था, ये 0.074 आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7.4%, तो इसका मतलब 7.4% उसे अपने आप को इन्फ्लेट करना पड़ेगा ताकि वो नॉर्मल कंडीशन फील कर सके। तो ये जनाब हमारे पास सलूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।